Hi guys, this is Keshav Malpani and welcome back to yet another session of 12 Minutes to CLAT. Today we are going to discuss certain mistakes that most of you generally make in your mock test. So these are certain things that you do not have to do while writing these mock tests. So I think in a lot of my videos, I've highlighted the importance of doing mock tests and in fact importance of doing sectional tests as well as full mock tests. Because main kai baar discuss kar chuka hun that it's not just solving those 150 questions. It's solving those 150 questions in this designated 120 minutes. Because there are a lot of students who prepare for say 1 year or for 2 years and they're able to solve those 150 questions. But the problem that lies in front of them is that they're not able to do that within that time frame that is given to us. So hamare saath bhi kai logo ke saath ye problem hai where they're not able to attend too many questions. Either they're not able to, I would say, negative marking bahut zyada ho rahi hai unki. Theek hai, this is a major problem that a lot of us have. है ना, कई लोगों के मार्क्स स्टैग्नेंट रह रहे हैं, हमको लग रहा है कि एक फ्रेम में हमारे मार्क्स आ रहे हैं एंड वी आर नॉट एबल टू यू नो मूव आउट ऑफ इट. वही एक स्टैग्नेंट हो गया हमारा परफॉर्मेंस. सो दीज कुड बी सर्टन रीजंस एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट अ लॉट ऑफ यू विल रिलेट विद मी व्हेन आई डिस्कस दोज रीजंस विद यू. सो यू कैन एक्चुअली मेक दोज चेंजेस, यू कैन कॉन्शियसली मेक दीज चेंजेस व्हाइल यू डू मॉक टेस्ट एंड दिस विल हेल्प यू क्वाइट अ लॉट विद योर मॉक टेस्ट एज वेल, राइट? द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज a lot of students generally have seen this tendency where you do not generally get good marks in your mock test. That is because you get stuck with a particular section. Maan lo, aapka koi ek section hai jo aapko lagta hai ki you are good with it. Theek hai, it could be legal reasoning, it could be any other section, jo thoda heavy reading section hai. Aapko lagta hai ki you are generally able to solve questions in this particular section aur baaki koi English ya critical reasoning hamara average hi hai. So let's spend more time in legal reasoning. तो हम बहुत सारा टाइम लीगल रीजनिंग को दे देते हैं एंड एज अ रिजल्ट वी आर नॉट एबल टू सॉल्व अ लार्ज चंक ऑफ द पेपर. ठीक है, हम कभी कभी एक पूरा सेक्शन, डेढ़ दो पूरे सेक्शन छोड़ देते हैं. तो हम वो सेक्शन छोड़ रहे हैं ना, दैट इज वाई वी आर नॉट एबल टू अटेम्प्ट अ लॉट ऑफ क्वेश्चन एंड दैट इज द रीजन फॉर लोअर मार्क्स दैट वी हैव. बिकॉज सी, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट एवरी क्वेश्चन इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम इज गिविंग यू वन मार्क. तो वो एक मार्क के लिए हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. सो यू कैन नॉट गिव एक क्वेश्चन को तो बहुत ही ज्यादा टाइम और दूसरे क्वेश्चन को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाए. ठीक है, तो इसे स्टक नहीं रहना है. डोंट गेट टू इमोशनल विद द क्वेश्चंस, डोंट गेट स्टक एनीवेयर. ठीक है, सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और ये बहुत सारे लोग शायद नहीं कर रहे हैं, व्हेन यू स्टार्ट अ पर्टिकुलर सेक्शन फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड एज टू व्हाट आर द इजिएस्ट क्वेश्चन इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन. इजिएस्ट क्वेश्चन कैसे पता चलेंगे? सबसे छोटे जो पैसेजेस हैं उनको पहले कर लिया जाए, बिकॉज दैट कंसिडरेबली हमारा टाइम कम लगता है उनको करने में, राइट? सो आई गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल फ्रॉम क्लैट इटसेल्फ. इफ यू हैव सीन द क्लैट 2020 का क्वेश्चन पेपर, विच इज द फर्स्ट क्वेश्चन पेपर आफ्टर द पैटर्न चेंज, वहां पर जो लीगल रीजनिंग में फर्स्ट पैसेज आया था दैट वॉज रिलेटेड टू फोर्स मेजोर इवेंट्स. और उस टाइम पर आई एम प्रीटी श्योर फोर्स मेजोर एक ऐसी चीज थी जो बहुत सारे क्लैट एस्पिरेंट्स ने नहीं पढ़ी थी. आजकल हम लोग पढ़ लेते हैं बिकॉज ऑब्वियसली वी नो कि दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन कम, बट उस टाइम इट वाज अ रियली अनकंफर्टेबल क्वेश्चन फॉर मोस्ट ऑफ द क्लैट एस्पिरेंट्स एंड दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन इन द सेक्शन. तो वहां पर क्या हुआ, और इतना बड़ा पैचेस था उसका, इट वॉज स्लाइटली डिफिकल्ट ऑल्सो टू अंडरस्टैंड. और उसमें से चार ही क्वेश्चन पूछे गए थे. जनरली लीगल रीजनिंग के सेक्शन में कोई भी पैसेज से पांच क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहां से चार ही क्वेश्चन पूछे गए थे. सो गुड एस्पिरेंट व्हाट ही और शी वुड हैव डन इट, उस पैसेज को एक बार छोड़कर बाकी सारे पैसेजेस सॉल्व कर लो जो कि थोड़े छोटे हैं उससे, जिनमें पांच क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं. सो दैट विल सेव अ लॉट ऑफ योर टाइम एंड व्हेन यू गेट टाइम लेटर, जब आपको लगता है कि आपको टाइम मिल जाएगा वो करने के लिए भी, तो फिर आप उस पर वापस आ सकते हो. रैदर देन सॉल्विंग इट, स्पेंडिंग योर 10 मिनट्स ऑन दैट, इट मेक्स नो सेंस. इट्स ओनली गिविंग यू 4 मार्क्स. ठीक है, बस ज्यादा बहुत अच्छा पढ़ के इंटरप्रेट करने का, क्योंकि ट्रॉफी मिल ही नहीं रही है वहां पे. जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करवाओगे सिर्फ उसी की वैल्यू है, राइट? सो देर इज नो पॉइंट स्पेंडिंग मोर देन द टाइम यू डेजिग्नेटेड फॉर अ पर्टिकुलर सेक्शन. मान लो आपने सोचा है कि यू विल डू लीगल रीजनिंग इन 35 मिनट्स, मैक्सिमम उसको 40 मिनट दे सकते हो, 40 मिनट से एक सेकेंड भी ऊपर नहीं जा सकता है वो, बिकॉज यू विल एक्चुअली कॉम्प्रोमाइज विद अदर सेक्शन विदाउट इवन रियलाइजिंग इट एट दैट पॉइंट इन टाइम. उसके अलावा आई थिंक अ लॉट ऑफ क्लैट एस्पिरेंट्स आई हैव सीन दे फॉलो अ पर्टिकुलर अप्रोच इन द सेंस कि कुछ लोग अटेम्प्ट्स कम करते हैं बिकॉज दे फील कि वी विल गो फॉर एक्यूरेसी. हम एक्यूरेसी को बेटर करेंगे और अटेम्प्ट्स कम करेंगे. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अटेम्प्ट्स ज्यादा करते हैं बट उनकी नेगेटिव मार्किंग बहुत होती है बिकॉज वो एक्यूरेसी बिल्कुल भी नहीं आ पाती फिर. नाउ द थिंग इज यू कांट जस्ट हैव वन अप्रोच, यू नीड अ ब्लेंड ऑफ बोथ दिस अप्रोचेस, बिकॉज आपके अटेम्प्ट्स बहुत कम नहीं रह सकते इस एग्जाम में. बिकॉज क्लैट 20 और 21 का जो हमने एक्सपीरियंस देखा है उसमें ऐसा देखा गया है कि जो लोगों ने बहुत कम अटेम्प्ट्स कर लिए, फॉर एग्जाम्पल आप जनरली जो एक अटेम्प्ट का अच्छा नंबर रहता है विच इज समवेयर अराउंड 120-125 के आसपास,
तो जो लोग 90-95 ही करके आए थे दे कुडंट डू सो वेल बिकॉज इवन इफ दोज क्वेश्चंस दे डिड क्वाइट एक्यूरेटली, ठीक है, उसमें से बहुत ज्यादा गलतियां नहीं हुई, बट देन कट ऑफ इज नेवर गोइंग टू बी दिस लो, ठीक है। तो आप लास्ट ईयर की कट ऑफ देखकर कभी नहीं चल सकते अंडर द न्यू पैटर्न। यू विल हैव टू मेक श्योर कि जो पेपर आया है और जो क्वेश्चंस की क्वालिटी आई है उसकी मेरिट पर चलना पड़ेगा आपको। सो यू कांट एक्सपेक्ट कि लास्ट ईयर 90 कट ऑफ थी तो इस बार में 90 ही कट ऑफ जाएगी, ऐसा नहीं होता। सो यू हैव टू मेक श्योर कि अटेम्प्ट्स, एक नंबर ऑफ अटेम्प्ट 110-120 के बीच रहने चाहिए, ठीक है। अगर पेपर बहुत ईजी है तो 120 से भी ज्यादा हो सकते हैं, बट 110-120 इज द आइडियल नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो एक डिफिकल्ट पेपर में आप ले सकते हो, ठीक है। और उस वो अटेम्प्ट करने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम 150 क्वेश्चन सारे देख पा रहे हैं, बिकॉज अगर आप क्वेश्चन ही 110 या 115 पढ़ पा रहे हो और उसमें से फिर आपको सारे अटेम्प्ट करने को बोल दिया जाए तो डेफिनेटली नेगेटिव मार्किंग होगी। तो जिन स्टूडेंट्स को लगता है दैट दे आर सफरिंग विद अ लॉट ऑफ नेगेटिव मार्किंग्स, दैट इज द रीजन यू आर नॉट एबल टू सी अ लॉट ऑफ क्वेश्चन। अगर आप पेपर में 30-35 क्वेश्चन देख ही नहीं पा रहे हो, इसका मतलब यह है कि आपने कितना मेजर चंक ऑफ द पेपर देखा ही नहीं है। शायद उसमें से 35 में से आपको 20 क्वेश्चन आते होते जो आपको सीधे 20 मार्क बढ़ाते, राइट। सो ये एक प्रॉब्लम है जिस वजह से नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा है कई सारे स्टूडेंट्स की। नाउ मॉक टेस्ट देने से, फुल मॉक टेस्ट देने से बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत डर लगता है एंड दे आस्क क्वेश्चंस लाइक कि शुड वी डू ओनली सेक्शनल टेस्ट एंड नॉट अ फुल मॉक टेस्ट। माय आंसर टू दिस इज अ बिग नो, प्लीज नेवर डू दिस। सिर्फ सेक्शनल टेस्ट मत करना, फुल मॉक टेस्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर क्लैट 22 एस्पिरेंट्स डू 2 मॉक टेस्ट एवरी वीक, फॉर क्लैट 23 स्टार्ट डूइंग 1 मॉक टेस्ट एवरी वीक, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और मॉक टेस्ट के मार्क्स को दिल पर नहीं लेना है, मॉक टेस्ट सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। अ लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स बिहेव एज इफ दे हैव ब्रोकन अप विद अ गर्ल और ब्रोकन अप विद अ बॉय व्हेन दे डू द मॉक टेस्ट एंड डू नॉट गेट द डिजायर्ड रिजल्ट आउट ऑफ इट। इतना ज्यादा मतलब जस्ट गेट ओवर इट, ठीक है। आप उसको एनालाइज करो कि वो क्यों गलत मार्क्स आ रहे हो, जस्ट यू नो मूव अहेड एंड राइट द नेक्स्ट मॉक टेस्ट इन 3-4 डेज। क्योंकि जब आप हर वीक 2 मॉक टेस्ट लिख रहे हो तो इतना कोई दिल पे लेने की बात ही नहीं है, ठीक है। हमको उससे आगे मूव करना है एंड वी नीड टू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग एज टू व्हाट आर द काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग व्हाइल डूइंग अ मॉक टेस्ट। कौन सा सेक्शन वीक जा रहा है, बार बार किसमें मार्क्स कट रहे, उसको इम्प्रूव कर लेना है और वो एक प्रोसेस रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आपके एक मॉक टेस्ट में 50 आए थे फिर अगले मॉक टेस्ट में एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अब मैं 70 लाऊंगा, ऐसा नहीं होता। हमारा अप्रोच ये रहना चाहिए कि पिछले मॉक टेस्ट में जितने मार्क्स आए थे उससे एक नंबर भी चाहे ज्यादा आए लेकिन उससे ज्यादा आना चाहिए, ठीक है। ये कोशिश करो, और उससे कम भी आता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस ये देखना है कि गलतियां कहां हो रही है, ठीक है। वी नीड टू स्टार्ट बीइंग अ लिटिल मैच्योर अबाउट दीज मॉक टेस्ट, देयर इज अ रीजन दीज आर कॉल्ड मॉक टेस्ट, ठीक है। ये आपका एक्चुअल एग्जाम नहीं है, बट आपको अपनी गलतियां सुधारने का मौका दिया जाता है व्हेन यू डू अ लॉट ऑफ मॉक टेस्ट। सी अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू कीप इन माइंड इज आई थिंक अ लॉट ऑफ क्लैट एस्पिरेंट, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ यू, यू हैव अ पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी कि ये वाला क्वेश्चन पहले करेंगे, ये वाला सेक्शन पहले करेंगे, फिर विल मूव ऑन टू अ सेक्शन। तो वो स्ट्रैटेजी में ना बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हो सकते हम, वी नीड टू बी लिटिल फ्लेक्सिबल अबाउट इट कंसिडरिंग द क्वालिटी एंड द काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट आर देयर। तो हर क्वेश्चन पेपर में आप देखोगे 2 सेक्शन डिफिकल्ट होते हैं और 3 सेक्शन एवरेज होते हैं। तो अगर आपका फेवरेट सेक्शन डिफिकल्ट वाले जोन में है, डोंट गिव इट टू मच टाइम, और सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है उसमें। मूव टू अ सेक्शन दैट इज बेटर, दैट इज मोर एवरेज, क्वेश्चन थोड़े इजी हैं उसमें, वहां पर वो स्कोरिंग सेक्शन होता है। दैट इज व्हाई ऑलवेज सी कि किसी भी सेक्शन को ऐसा मत करो कि वो कम प्रिपेयर्ड है। मतलब एक सेक्शन आपका बहुत अच्छा प्रिपेयर हो सकता है बट बाकी सेक्शन भी आपको एक अबव एवरेज प्रिपरेशन रखनी पड़ेगी उनके लिए भी, राइट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। सो दीज आर सर्टन टिप्स दैट आई फील विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, एंड प्लीज एम्प्लॉय दिस इन योर मॉक टेस्ट एंड लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स इफ दे हेल्प यू। इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन आंसर नहीं हो पाया रिलेटेड टू मॉक टेस्ट, फील फ्री टू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर दोस मॉक टेस्ट क्वेश्चंस एज वेल। अदर देन दैट आई थिंक यू नो दैट आई हैव बीन टीचिंग ऑन अनअकैडमी एज वेल, आई हैव बीन टेकिंग अ लॉट ऑफ क्लासेस ऑन करंट अफेयर्स, ऑन लीगल रीजनिंग एज वेल एज ऑन क्रिटिकल रीजनिंग, एज स्टार्ट सर्टन क्लासेस एज वेल, आई हैव बीन टेकिंग अ लॉट ऑफ क्विजेस इन क्रिटिकल रीजनिंग एंड टेल यू कि आप कैसे अच्छे से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप डेफिनेटली उन क्लासेस में आ सकते हैं, कुछ फ्री क्लासेस के लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में लगा दिए। You can also take plus subscription of our classes where we'll be teaching you for CLAT 22 and 23 on our academy itself. You can join these new batches for CLAT 22 and CLAT 23. You can use my code Keshav Live or Malpani and get 10% off on all the batches on academy. So that's it about the session from my side. If you like our sessions, please subscribe to our channel and press the bell icon so don't miss any updates from us. Keep liking and keep following us like this. Thank you so much.